इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। उत्तर प्रदेश में गायों के हालात योगी सरकार के कड़क कदम उठाने के बाद कैसे हो गए हैं ये जग जाहिर है, लेकिन यहां मेरठ में एक गाय ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके भतीजे, पुलिस व सेवानिवृत्त दरोगा को सवालों के दायरे में ला खड़ा किया है। दारोगा से गाय न मिलने की स्थिति में गोपालक ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। आज इस सिलसिले में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हिंदू स्वाभिमान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अमित भारद्वाज ने बताया है कि 8 अक्टूबर 2019 को गोपालक कल्लू की गाय रात्रि में एकाएक गायब हो गई। नौचंदी थाने में इसकी शिकायत की गई तो रटा रटाया यही जवाब मिला कि खुद ढूंढ लो। अब क्या हम गाय ढूंढने के लिए यहां बैठे हैं? करीब 12 दिन बाद गाय बिनौली थाने से सेवानिवृत्त हुए दरोगा राजबीर सिंह के घर में बंधी पाई गई। आरोप है कि जब कल्लू ने अपनी गाय मांगी तो राजबीर ने उसे डपट कर भगा दिया। दरअसल कल्लू का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले राजबीर सिंह ने ही बेहद मरणासन्न स्थिति में ये गाय उसे 400 रुपए में बेच दी थी। उसने उसके अच्छे से देखभाल की, जिसके चलते वो अब 8 माह के गर्भ से है, जिस कारण रिटायर्ड दरोगा की नीयत खराब हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति की है। अगर इस तरीके की जो घटना हुई है ये बड़ी निंदनीय है, हम इसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं। और अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मीडिया के माध्यम से इस मामले को सुने तो उन्हें तत्काल इस विषय में हस्तक्षेप करके गोपालक कालू भाई गाय उस तक पहुंचा देनी चाहिए। इसकी शिकायत डायल 112 पर की गई तो नौचंदी थाने ने कल्लू को ही थाने में बैठा लिया। हिंदू स्वाभिमान संस्था ने कल्लू को छुड़वाया। बाद में इंस्पेक्टर नौचंदी को एक पत्र दिया गया और वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिस पर इंस्पेक्टर ने उन्हें गाय दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरोप है कि इस बीच रिटायर्ड दारोगा राजबीर ने एनिमल केयर सोसाइटी से गोदनामा बनवा लिया। संस्था के अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने इस दौरान 2 ऑडियो जारी की है। इनमें से एक में वो नौचंदी इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं तो दूसरी में संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवि भट्ट भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के भतीजे विवेक वाजपेयी से। आइए पहले सुनते हैं क्या बता रहे हैं इंस्पेक्टर नौचंदी। वो कल लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का फोन आया था इस मामले में। अच्छा, तो मैंने उन्हें पूरा समझाया, मैंने कहा ये बात है, लेकिन वो फिर भी दरोगा जी का ही पक्ष रख रहे थे। अच्छा अच्छा, फिर मैंने आपका नाम बताया जी। बोले अच्छा, मैं बात करूंगा उनसे। मैंने कहा ठीक है सर, आप बात कर लें, नंबर ना हो तो मैं दे दूं। बोले नहीं, नंबर हम अरेंज कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। ना, मुझसे कोई बात नहीं हुई जी। उन्होंने आपसे बात हुई नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, वो उन्हीं की तर्जदारी कर रहे थे, आप बात कर लेना अगर आपके संबंध हो तो। नहीं, संबंध सब कुछ है भाई, मैं इनके सामने चुनाव लड़ा था, विधायक का चुनाव हार गए थे मेरे कारण, संबंध सब है। अच्छा जी, हाँ हाँ, तो वो तो फिर दिक्कत है। हाँ चलिए, और मैं दिखवाता हूँ। अच्छा, इनसे बात करके फिर मैं दिखवाता हूँ। इसे भाई साहब भेज दो आगे, कहाँ से जल्दी। वो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, देखो आप भी नेता हैं, बीजेपी में ही काम कर रहे हैं सब लोग। नहीं ऐसा नहीं, अब तो सभी का मान सम्मान रखना होता है। अब मान सम्मान तो सभी का मान सम्मान, तो वही बात है ना, सभी लोगों का मान सम्मान रखना होता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल भी ठीक ठीक है ना आपका, हमें पैसा सर्वमान्य होगा जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी, कैसे हो भैया? सब बढ़िया। मैं ये कह रहा था इसमें अध्यक्ष जी का नाम क्यों उछाल रहा है इस वक्त बार 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 गाय वाले एक दिलासे से मामले में? अध्यक्ष जी का नाम उगानू, अध्यक्ष जी ने मुझसे नुके रखे, अध्यक्ष जी ने मुझसे कह दिया क्या हम गाय भैंसों की लड़ाई के लिए रह गए हैं? राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे अध्यक्ष जी वैसी तो ही है। अरे किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, बार बार वो इंस्पेक्टर यही बात कह रहा है। मैंने भी कल बात करी, मैंने कहा यार इस बार ऐसा कर करा के धक्का दो, छुट्टी करो। हाँ मैंने कहा गाय का वो कालू मेरे घर भी आ गया, मैंने कहा चल कालू बात करूंगा। अच्छा अच्छा, कि वो मेरे को कह रहा होगा मैंने कहा था। नहीं वो तो नुक रहे कि लक्ष्मीकांत जी का फोन आया था मेरे पास में। तो ठीक है, आया तो क्या हो गया, उसमें क्या लिखता आना है, बस हो गया मैटर। अच्छा, दरोगा जी की गाय नहीं, दरोगा जी के पहुंच गई और क्या है। अरे भैया एक बात तो बताओ, दरोगा जी ने उसे जब उसे 1.5 साल पहले 2 साल पहले उसे दे दी थी, अब देने के बाद उससे दोबारा उसके बाद में ले लिया। अब ये बात ये है ना कि जब वो जिसने पाली है पाल के उसे रख रहा है और उसने उसके पास में रख ली तो ना उसे भी कहा रखनी है, तो अमित को रखनी है। नहीं वो बात आपकी अपनी जगह है, लेकिन उसने उसे। अच्छा दूसरी बात, तुम जो कह रहे हो इस बात के लिए अमित की बात विवाद रहेगा, अमित जी कुछ कह रहे हो इसमें या अमित कुछ कह रहा हो तो उनसे बात करिए आप बैठ कर। हमें अमित ने कहा है मैं रखूंगा, तभी तो एनिमल केयर सोसाइटी वाले उन्हें दरोगा जी को दे गए हैं। किसे?
दरोगा जी को आप ना अमित ने ये नहीं कहा कि जो मैं रखूंगा ये वो करूंगा मेरे सामने। अरे नहीं भाई साहब, जो आप कह रहे हो ये तो बात ही नहीं की, ये तो उन्होंने तो एनिमल केयर सोसाइटी ने अपने उसमें देखे कि सार्वजनिक ये गाय की केयर नहीं हो रही है, उन्होंने दरोगा जी को दे दी, उन्हें अधिकार है किसी को भी देने का। तो एक काम कर लो ना तुम, दरोगा जी वहाँ पे जो करवा रहे हो एक काम कर लो, इसे उसमें किसी गौशाला में छुड़वा दो। नहीं गौशाला में क्यों छुड़वा दें, अब पता क्या गौशाला में, अगर आप इस बात के लिए सुनोगे तो आप कहोगे पता वो ये कहता फिर रहा कि पंडितों के सीने पर चढ़ के लिया आया, उनकी छुट्टियां तिलक काट आया कर आया मैं, बट जाट होने के बाद में नुकेरा जाट होने के बाद में पंडितों की छुट्टियां काट दी। रोका बुजुर्ग आदमी वो कहाँ कह रहा है। अरे भाई साहब आपको यकीन नहीं आ रहा, आप तो बात ही नहीं समझ पा रहे, मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ बार बार, भाई साहब आप इस बात को समझो, सारे ब्राह्मणों को कह रहा हूँ चोरी तो हुई है सड़क पे लोग घूमते हुए देख रहे थे कई दिन, दो तीन दिन जब दरोगा जी ने देखा तब बांध दिए। अरे भैया दरोगा जी ने इतना देख लिया, इसके मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि हम 5 दिन से 7 दिन से गए, 50 आदमियों के लेटर हैं उनके पास में लिखे हुए, बताओ 50 आदमियों ने हस्ताक्षर कर रखे मान्यवर, बताओ आप क्या जो दरोगा जी चोरी करके ले गए कूटे पे से, वो उसके यहाँ से चोरी होगी दिखाए, अब दरोगा जी के यहाँ मांगने गए वो 10 आदमी क्या गए। अरे वो तो फिर बाद में सारी बातें हुए कि चोरी हो गई और ये हो गई, थोड़ा रखिए देखता रहता है कि हाँ बाहर खा रही है मेरी गाय, नहीं दिखाई दी तो चोरी हो गई। पंडित जी ये तो वो वाली बात हो गई जी कि उसका एक तरफा पक्ष हो गया, दूसरी तरफा पक्ष हो ही नहीं रहा इसका बेचारे का, तो इसका बेचारे का पक्ष नहीं हो रहा वाकई में, ये सुबह जैसे हो रहा था नहीं तो पहले नहीं एक चीज और है ना, पहले मैंने शिकायत करी आया मैं ना डीएम के यहाँ जावे SSP के यहाँ जावे, अभी और ऊपर करी आवे कहीं शिकायत पहले मेरी, आखिरी का तरीका होता है या तो मेरे पास आते हैं हाँ जी मेरी को दिलवा दो, ये जा रहे हैं नेतागिरी करने को विवेक वाजपेयी को गाय थी, विवेक वाजपेयी के यहाँ से आओ अभी मैं दे रहा हूँ 10 गाय दे रहा हूँ दान में किसे चाहिए। नहीं नहीं वो तो बात आपकी ठीक है लेकिन वो वाली बात है ना नहीं, कि नहीं तो फिर वो कर लेना पहले डीएम नेतागिरी कर ले मेरे साथ, पहले डीएम से मेरी शिकायत कर ले, डीएम कुछ कर लेगा SSP मेरा कुछ कर लेगा करवाई है पहले। ना ना सही बात है आपका फोन क्या बिगाड़ सके भाई, सत्तारूढ़ पार्टी इस टाइम सत्तारूढ़ पार्टी है भैया, आप तो इस टाइम पर सत्ता में हूँ या ना हूँ नहीं कलम में इतनी ताकत है मेरी तो। आज ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि गाय वापस नहीं मिली तो 17 दिसंबर को कल्लू द्वारा लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह कर लिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पुरुषोत्तम, आशीष शंकर, सौरभ गोयल, अरुण पाल आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।